और दोस्तों, आज हमारी जो करंट की थर्ड क्लास है उसके बारे में अपन बात करेंगे। और हमारा जो सीरीज चल रही थी वो पुरस्कार की सीरीज चल रही है। उससे पहले हमने पद्म श्री पढ़ाए हैं, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये तीन पुरस्कार हम पढ़ा चुके हैं। उसके साथ में हमने और पुरस्कारों की बातें की हैं। आज हमारा विश्व का बड़ा पुरस्कारों में जिसका नाम आता है नोबेल प्राइज, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पीछे की क्लासेस सहित आपने यथावत रूप से पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में लिखी होगी। और उसके बाद अपन जो पढ़ रहे हैं आज, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमारी जो क्लास है यथावत पुरस्कार का एंड होने के बाद धीरे धीरे पुनः अपनी और क्लासे करंट के विषय में चलेगी। माँ जी तेरी कश्ती के तलकदार बहुत हैं, माँ जी तेरी कश्ती के तलकदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में को तूने खोली है ये ऑनलाइन कोचिंग की क्लासेज, उस शहर में तेरे खरीदार बहुत हैं। आगे पढ़ेंगे हम नोबेल पुरस्कार। देखो, नोबेल जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार 2018 पढ़ेंगे हम, क्योंकि नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा होती है ना वो अक्टूबर में होती है। 8, 7, 8, 9 अक्टूबर होती है। और अक्टूबर में जब घोषणा होती है तो ये मिलता है वो अल्फ्रेड नोबेल, जो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिया जाता है स्कॉटलैंड में, स्कॉटहोम में, स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो स्कॉटहोम में 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है उसकी याद में, उस पुण्यतिथि के दिन ये नोबेल प्राइज जो मिलता है, और ये मिलता है, ये 76 में मिलता है, 76 में मिलता है, 76 में है। जैसे अपन क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तीन तो विज्ञान है, तीन विज्ञान है, एक भौतिक है, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में, फिर उसके बाद तीन चौथा है अर्थशास्त्र में, शांति में, और फिर और मिलता है साहित्य में। 6 नंबर में और लिख लेता हूं एक बार, साहित्य इस बार नहीं मिला। देखो आप प्रारंभ करते हैं अपन, सबसे पहले है चिकित्सा में। चिकित्सा में जो योगदान मिला वो कैंसर थेरेपी की खोज के लिए हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र पर नोबेल पुरस्कार 2018 में मिला है। ये दिसंबर में मिलता है, इसलिए 2019 में जितनी भी एग्जाम होगी उसके लिए हमें नोबेल पुरस्कार याद करना ही पड़ेगा, और वो 2018 का ही याद करना पड़ेगा क्योंकि 2019 का आगे मिलेगा दिसंबर में। इसलिए पहली बात है कैंसर थेरेपी की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में 2018 में नोबेल प्राइज मिले। देखो, जिस आदमी के कैंसर हो जाता है, आदमी के जिसके कैंसर हो जाता है वो सूख जाता है, सूख के जम जाता है, तो ये तो सुख और ए वाली मात्रा नहीं, ये जम, तो पहला तो है सूख जाता है तो तासुक, तासुक होंजे जो जापान के हैं, दूसरा है जम जाता है तो जेम्स पी एलिसन जो यूएसए के हैं। यानी कैंसर थेरेपी की खोज के लिए चिकित्सा में दो नोबेल प्राइज दिए गए हैं, तासुक होंजे जापान के और जेम्स पी एलिसन यूएसए के। उसके बाद है भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में जो मिलता है वो लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में मिलता है। लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में अभी योगदान के लिए जो दिया गया है फिजिक्स के, लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में काम के लिए इसको दिया गया है भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज। ये तीन लोगों को मिला है जिनमें से एक महिला है, एक महिला है डी स्टिकलैंड, ये कनाडा की महिला है, और जेराल्ड मोवरे और फ्रांस के हैं, जेराल्ड मोवरे फ्रांस के हैं, डी स्कॉटलैंड कनाडा की महिला है, जेराल्ड मोवरे फ्रांस का है, ऑर्थर अस्किन ये यूएसए का है। इसलिए तीन लोगों को भौतिक के, भौतिक में लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए ये दिया गया है नोबेल पुरस्कार। तो चिकित्सा पढ़ा है, भौतिक पढ़ा है, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की खास बात यह है कि डायरेक्टेड इमोल्यूशन के जरिए एक एंजाइम की खोज की है, इसलिए ये नोबेल प्राइज दिया गया रसायन विज्ञान में। तो फ्रांसेज अर्नाल्ड है, ये महिला है यूएसए की जिसको रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है, और जॉर्ज स्मिथ यूएसए के हैं जिनको रसायन विज्ञान में मिला है, और ग्रेगरी विंटर है ब्रिटेन के, इनको रसायन विज्ञान में मिला है। उसके बाद अपन बात करेंगे अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में जलवायु परिवर्तन के एक नियम की खोज की तकनीक के लिए यह दिया गया है। अर्थशास्त्र में जलवायु परिवर्तन के नियम की तकनीकी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र में। उसकी खास बात यह है कि देखो दोस्तों, जब किसान अर्थशास्त्र का संबंध है तो अर्थशास्त्र का संबंध गेहूं से है। अब गेहूं में यदि हास हो जाता है, कमी हो जाए, घट हो जाए, हाथ से हो जाता है तो किसान बेचारा मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। तो हास हो रहे हैं, देखिए हास, नोड हास, कोई भी नट कोई ट्रिक बिठानी है फिर याद करना पड़ेगा, हास हो रहा है डी नोड हार से, हास हो रहा है बेचारा मर जाता है एम रोमर,
एम रोमर। इसलिए अर्थशास्त्र में हास होता है नॉर्ड हास, मर जाता आदमी रोमर। दो व्यक्तियों अर्थशास्त्र में 2018 में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर शांति के लिए यौन हिंसा के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए डेनिस मुकवेज और नादिया मुराद को यह पुरस्कार दिया गया है शांति के क्षेत्र में। इनकी अपन ट्रिक यदि बैठाए तो ये बैठा सकते हैं कि यदि मुख ना होता तो आदमी बोलता नहीं, मुख ना दिया भगवान तो ये अशांति फैलती नहीं, शांति फैलती नहीं। मुख ना दिया होता तो शांति अशांति होती भी नहीं। तो देखो ये बात है, अशांति होती नहीं यानी शांति अपने आप रहती, मुख ना दिया होता तो। मुख की बात करें तो ये मुकवेज, डेनिस मुकवेज जो कांगो के हैं, और ना दिया होता दिया तो नादिया मुराद। इन दो व्यक्तियों को, डेनिस मुकवेज कांगो का, नादिया मुराद है ईरान का है, नादिया मुराद को, इन दोनों को मिला है वो शांति के क्षेत्र में मिला है। अगला है साहित्य में 2018 में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, साहित्य में 2018 में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है। पुनः मैं एक बार दोहराऊंगा कि नोबेल प्राइज शुरुआत है वो, नोबेल प्राइज की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडिश वैज्ञानिक थे उनकी पुण्यतिथि को 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है। उसके बाद है ये 6 क्षेत्रों में मिलता है, 3 तो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, और एक अर्थशास्त्र और एक शांति और एक साहित्य। ये 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस क्षेत्र में साहित्य नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता, तो गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता, गणित में तो एबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है, तो गणित में एबेल पुरस्कार ही मिलता है, गणित में नोबेल प्राइज की कोई योगदान नहीं है। उसके बाद मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र के जो है वो चिकित्सा में जो पुरस्कार मिलता है वो कैंसर थेरेपी की खोज के योगदान के लिए मिलता है, और ये सूख जाता आदमी जम जाता है कैंसर से, ताशुखोंजे जापान का, जेम्स पी एलिसन यूएसए का, इनको मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान में। फिर भौतिक विज्ञान में लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। इनमें जो है डी स्टिकलैंड जो महिला है कनाडा की, इसको दिया गया है, और जेराल्ड मोरे फ्रांस के हैं, और थर ऑस्किन है यूएसए के, इनको दिया गया है। 3 आदमियों को भौतिक में मिला है। रसायन विज्ञान की बात करें अपन तो डायरेक्टेड इवोल्यूशन के जरिए एक एंजाइम की खोज के लिए, इसलिए इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है। फ्रांसिस अर्नॉल्ड ये महिला है यूएसए की, और जॉर्ज स्मिथ यूएसए का है, ग्रेगरी विंटर ब्रिटेन का है, इसको दिया गया है। 3 क्षेत्र को मिला है रसायन विज्ञान में। अर्थशास्त्र की बात है, पहली बात हमारी है कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल प्राइज मिला, तो अमर्त्य सेन को सबसे पहले भारतीय व्यक्ति है जिसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। 2 बातें हम और कर लेते हैं, यहाँ देखो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार यदि कोई शांति पुरस्कार मिलता है तो अमर्त्य सेन को मिलता है, यदि कोई भारतीय को अर्थशास्त्र पुरस्कार मिलता है तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है नोबेल प्राइज पहली बार गीतांजलि के लिए 1913 में। उसके बाद मिलता है वो रमन को मिलता है 1930 में। 2 वो व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे जिसको गीतांजलि कृति साहित्य के लिए पहली बार नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीय थे। अर्थशास्त्र में मिलने वाले अमर्त्य सेन है, ये मैंने बताया कि गेहूं की कमी से हास्य हो जाता है तो नॉर्ड हार्स है, किसान आत्महत्या भी कर लेता है तो रोमर इसको मिला है, एम रोमर को ये अर्थशास्त्र में मिला है। शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए यौन हिंसा के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए जो दिया गया है वो डेनिस मुकवेज, ये कांगो के हैं, और ये डेनिस मुकवेज और नादिया मुराद, और ये नोबेल प्राइज की जो घोषणा हुई है। सबसे यदि युवा जिसको नोबेल प्राइज मिला है वो मलाला यूसुफजई थी। 3 महिलाओं को इस साल भी नोबेल प्राइज की घोषणा हुई है, जैसे एक शांति में भी मिला है और एक रसायन विज्ञान में मिला है और एक चिकित्सा भौतिक विज्ञान में मिला है। 3 महिलाओं को नोबेल प्राइज मिला है। उससे पहले सबसे युवा जो महिला थी, सुबह से युवा जो केला सत्यार्थी था भारत का, और मलाला यूसुफजई आज तक सबसे युवा 14 वर्षीय मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, और यूएनओ की सबसे कम उम्र की यदि कोई शांति दूत रही है तो वो मलाला यूसुफजई है। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, जो आगामी जो आपकी जो क्लास होगी वो तब आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन बताओगे, वो क्वेश्चन बताओगे आप कि वर्तमान में भारत का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए कल के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल हैं, आपको यदि समझ में आ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, नोट्स बना लें तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, आपको आगामी वीडियो आ जाएगा। और कल सुबह 6 बजे ये वीडियो जो अपलोड होता है करंट का, सुबह आप उसे देखिए और अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।